हेलो गाइस, योर इलीगल इज बैक। तो आज की वीडियो में हम अपना ड्रीम पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट कितने प्राइस में पड़ा। एंड बाय द वे, मैं कहाँ से कर रहा हूँ उसके बारे में बात करें तो मैं आया था डिजिटल ओशियन नेहरू प्लेस दिल्ली। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमने मदरबोर्ड लिया है, गीगाबाइट का है एंड B550 DS3H, जिसके प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमने जीपीयू लिया है आसुस का रेडियन RX 6600। वहीं अब बात करें अपनी हार्ड ड्राइव की तो 1 TB है वेस्टर्न डिजिटल की, एंड SSD हमने यूज़ किया है NVMe M.2 500 GB। एंड वहीं बात करें हम प्रोसेसर की तो Ryzen 5 5600X AMD का, तो आपके प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एंड हम पावर सप्लाई की बात करें तो गीगाबाइट की V550 550 वाट हमने पावर सप्लाई यूज़ किया है। अब हम रैम की बात करें तो हमने T4s की हमने 8 8 GB की 2 GB यूज़ किए हैं, जो 3200 MHz पर काम करती है। एंड केस की बात करें तो आंट स्पोर्ट्स का 511 MT ये हमने केस लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं पीसी बिल्ड की तरफ। तो भाई लोग, भारतीय रीति रिवाजों की तरह जैसे कोई चीज़ नई घर पे आती है उसी तरह बिल्कुल हमने भी अपने पीसी को श्री गणेश तय करके इसकी पूजा कर दी है। एंड चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पीसी स्टार्ट हो चुका है, ये उसका लुक है। इसमें बहुत सारे RGB मोड्स हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो भाई लोगों, पीसी स्टार्ट हो चुका है। चलो अब वो काम करने की बारी आते हैं जो हर गेमर न्यू पीसी लेने के बाद करता है। सबसे पहले ये हटाते हैं। वाह, क्या साउंड है भाई। तो गाइस, पीसी रेडी हो चुका है, बेंचमार्क्स भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो बेंचमार्क देख लेते हैं। सारे गेम्स मेरे 1080p मैक्स जो पॉसिबल सेटिंग यूज़ कर पाया मैं ग्राफिक्स की, वो मैंने यूज़ किया। और हाँ, रिकॉर्डिंग के टाइम पे मुझे याद नहीं रहा मैंने सेव इंस्टेंट रिप्ले भी ऑन किया हुआ था उस टाइम। तो उससे अगर तुम सेव इंस्टेंट रिप्ले ऑफ करते हो तो तुम्हें 8 से 10 FPS के बीच में तुम्हें डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे दो एक साथ रिकॉर्डिंग होती है तो थोड़ा परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता ही है, तो तुम उस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है ना। एंड हाँ, और भाई मैंने एक मल्टीप्लेयर गेम भी टेस्ट किया, पबजी किया, तो उसमें मेरे को 70-80 अल्ट्रा सेटिंग्स मिल देखने को मिले थे। मे बी शायद FPS लाइक मेरे पास अच्छा इंटरनेट नहीं था तो उसके वजह से देखने को कम मिले हों। बाकी का और सारे मैच बहुत ही तगड़ी परफॉर्म किया है अपने APC ने। तो बेंचमार्क देखो तुम्हारा, लाइक बेंचमार्क बहुत तगड़ा है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।
नर्व।